बेरोजगारी और शिक्षा की बात कही है, लेकिन महोदय लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है। चोरी, डकैती, लूट, बलात्कार, रिश्वतखोरी, महिला उत्पीड़न, हर तरफ गंगा बह रही है। अकलियतों के जान और माल को भी तहफुज और एससी एसटी के लोगों के उत्थान के मौके बंद हो गए हैं, लेकिन वहीं सीमांचल गरीबी के डंश में झल रहा है। और सबसे सीमांचल मांग रहा है कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल तश्कील दो, सीमांचल को विशेष पैकेज दो। माननीय उप मुख्यमंत्री ने इसका वादा भी किया था, लेकिन इस पूरे अभिभाषण में कहीं उसका तस्करा नहीं है। महोदय, सरकार के लंबे अंतराल के प्रयास के बावजूद भी पलायन, रोजगार, तालीम, सेहत के मामले में लोगों को बाहर जाकर रोजगार कमाना पड़ रहा है, इलाज के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ा है। किसानों और मजदूरों की हालत अच्छी नहीं हुई। मैंने सरकार के शराबबंदी का समर्थन किया है, लेकिन शराबबंदी सिर्फ डंडे के चोट पर नहीं होगा। स्कूल बंद रहेंगे, रोजगार का मौका नहीं मिलेगा, तो आज शराब पर पुलिस उगा रही है। बच्चे आज स्कूल से गायब हैं, चूंकि शिक्षक नहीं है, वो नशा का शिकार हो रहे हैं। मेरा जोना, चरस, भांग और इसमें का इस्तेमाल करके हमारी नई नस्ल बर्बाद हो रही है, और शराब बेरोजगार पी रहा है, और पुलिस पैसे उगा रही है। मोहतरम, अकलियतों और दलितों की हालत खराब है। एससी एसटी के स्कॉलरशिप का पैसा नहीं है, वित्त रहित शिक्षा पॉलिसी का खात्मा नहीं हुआ, लोगों की जिंदगियां आज परेशान हो रही है, रिटायर कर रहे हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। आयुष्मान भारत जो गरीबों के इलाज के लिए है, महोदय केंद्र की चलाई गई वो थी, केंद्र की बहुत सारी योजनाओं का अनुपालन आपने किया है। मुख्यमंत्री सड़क, प्रधानमंत्री सड़क उसकी मिसाल है। आज 50% महोदय, एक बात, 50% गरीबों को आयुष्मान कार्ड हासिल नहीं है, उनको आयुष्मान कार्ड देने का सरकार वो करे। एक आखिरी बात, मैं भाजपा के साथियों से एक बात कहना चाहूँ सर, भाजपा के साथियों से एक बात कहना चाह रहा हूँ सर, आपने बोल लिया सर, आप स्थान ग्रहण करें। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।